सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस दौरान भाजपा की ओर से जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उसमें भी शिरकत करेंगे। इनमें जिले की 8 विधानसभा में मिली जीत पर मुख्यमंत्री जनता का आभार भी प्रकट कर सकते हैं। वह प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा की अगुवानी के बाद काशी विश्वनाथ धाम से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर में होने वाले आयोजनों में मुख्यमंत्री योगी उनके साथ रहेंगे। वाराणसी में नेपाली समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, ऐसे में नेपाल के पीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। तो आपको बताते चले कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद आज पहली बार वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, जिसको लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई हैं। वहीं अगर योगी की बात करें तो नेपाल के पीएम की अगवानी करने वाराणसी पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, योगी सरकार अपने 2.0 कार्यकाल में यानी कि दूसरे कार्यकाल में पहली बार वाराणसी दौरे पर है, इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है? के प्रधानमंत्री आज भारत के दौरे पे है और उनके साथ 34 डेलीगेट के साथ वो भारत का दौरा करने आए हैं। और आपको बता दें कि वो भारत में जब आते हैं तो उनका जो प्रतिनिधि है, अभिवादन है, वो सूबे के उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। और साथ ही साथ आज वो बनारस जाएंगे जहाँ दिव्य काशी भव्य काशी का दर्शन करेंगे, साथ ही साथ काल भैरव और तमाम जो मंदिरे हैं, जो ऐतिहासिक मंदिरे हैं, उनमें दर्शन करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि नेपाल और भारत का जो संबंध रहा है वो प्राचीनतम समय से रहा है। साथ ही इस बार जो वहां के तमाम डेलीगेट और वहां के प्रशासनिक लोग भारत के अंदर में आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के बीच में जो राजनीतिक संबंध है, साथ ही साथ व्यावसायिक संबंध है, वो कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समयों में खराब हुए थे चाइना के इन्वॉल्वमेंट के बाद, तो वो कहीं ना कहीं सही होते दिखेगा। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम वो आला अधिकारी भी रहेंगे क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री है। और अगर बात की जाए पुख्ता इंतजामात की तो प्रशासन की तरफ से हर एक मुमकिन प्रयास को किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो सीसीटीवी फुटेज से लेकर तमाम ऐसे माध्यमों से पूरी चप्पे चप्पे की नजरे बनाए रखेंगी यूपी पुलिस। साथ ही साथ आपको बता दें कि बनारस के अंदर स्पेशल पुलिस है जो कि मंदिर प्रशासन की हर एक जो भी कार्यक्रम नजर बनाए रखता है। जी मुस्कान, विभांशु, नेपाल के पीएम और मुख्यमंत्री योगी के बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि वो कई मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पर इन दो दिग्गजों की चर्चा हो सकती है? जी, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश नेपाल से अच्छा खासा किलोमीटर में बाउंड्री शेयर करता है। अगर बात करें तो लखीमपुर से और कुशीनगर तक उसकी बाउंड्री शेयर करती है। तो अगर बात की जाए तो नेपाल भारत को पानी भी देता है, जो अगर बात की जाए तो ऐसे नारायणी नदी जो कि भारत नेपाल और भारत सीमा से होती है, तो ऐसे कई सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर बात हो सकती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो उत्पादन है, चाहे बात की जाए सब्जियों की, चाहे बात की जाए गन्ने की, तो इन सब चीजों को भी नेपाल में देने की बात की जा सकती है। वही नेपाल से भी ऐसे कई सारे चीजें होती है जो उत्तर प्रदेश में आने की बात की बन सकती है, जो नेपाली प्रशासन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। साथ ही साथ अगर देखें तो हर एक जो संबंध होते हैं, चाहे बात की जाए व्यावसायिक संबंध, चाहे बात की जाए राजनैतिक संबंध, तो कहीं ना कहीं ये दोनों देश के, चाहे बात की जाए नेपाल चाहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों आपस में एक रिश्ते की मजबूती को लेकर भी मिल रहे हैं। जी विभांशु, यानी इस बीच जो दोनों दिग्गजों के बीच चर्चा होगी वो उन मुद्दों पर होगी जो व्यावसायिक है, जो राजनीतिक है, और जो पिछले कई सालों में जो दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे उसको भी सुधारने का कोशिश किया जाएगा। जी मुस्कान, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो ऐसी अगर
भारत के तरफ से जो एक टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है उसमें नेपाल के भी मंदिरों को जोड़ने की बात कही जा रही है कि वहाँ धौरहरा टावर और पशुपतिनाथ के लिए ऐसे कई सारे ट्रेनें भी भारत से और नेपाल के बीच चलाने की बात कही जा रही है कि जो भारत और नेपाल के बीच संबंध शुरू से रहे हैं उसको लेकर फिर से एक बार और उसमें मधुरता और जो संबंध थे उसको और मजबूत बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं भारत और नेपाल की तरफ से। उसी क्रम में अगर बात की जाए तो भारत और नेपाल के बीच एक ट्रेन चलता था जो कि दोनों के मित्रवत संबंध को दर्शाता था, उसे एक बार फिर चलाने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं कहे तो अब भारत के लोग जो नेपाल जा रहे थे उन्हें वीजा और कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती थी, उसी क्रम में अब ट्रेन के माध्यम से वो नेपाल पहुंचकर वहां के जो तीर्थ स्थान है, जो टूरिस्ट प्लेसेस है, उसको देख सकेंगे और घूम सकेंगे। साथ ही साथ नेपाल के लोग भी अपने इलाज के लिए भारत आया करते तो कहीं ना कहीं भारत नेपाल के इस संबंध से फायदा देखने को मिलेगा। यानी कि जो दोनों नेताओं के बीच ये जो बैठक होगी, जो चर्चा होगी, इससे दोनों देशों को ही बहुत फायदा मिलने वाला है, वहां की जनता को। अगर बात करी जाए नेपाल और भारत की जनता को, तो दोनों देशों के बीच क्या कुछ फायदा इस बैठक से निकल कर हो सकता है? जी मुस्कान, अगर बात करें तो सबसे पहले चिकित्सक जो नेपाल के अंदर में थोड़ी कमी है और भारत के अंदर में जो चिकित्सक सुविधाएं है, वो चिकित्सा सुविधाएं वो सस्ती है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। वही बात की जाए तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर सब्जियां, गन्ने और तमाम ऐसी चीजें हैं जो नेपाल के अंदर से संचालित होती है और यहाँ मटेरियल जो है, जैसे बात की जाए अगर गन्ने की तो गन्ना यूपी का कटोरा, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा गया है, तो कहीं ना कहीं गन्ने की भी बातों में बात बन सकती है कि गन्ना नेपाल खरीदेगा भारत से। साथ ही साथ ऐसे कई सारे चीजें हैं जो व्यावसायिक रूप से भारत का और नेपाल के बीच सौदा हो सकता है। साथ ही साथ टूरिस्ट सर्किट को बढ़ाने के लिए भी बात चल रही है। वही अगर देखा जाए तो भारत और नेपाल का जो रिश्ता रहा है वो बहुत ही प्राचीनतम रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर से एक बार और उसको उभरता हुआ देखा जाएगा इस बैठक के माध्यम से। और क्या अन्य कार्यक्रम नेपाल के पीएम के निर्धारित किए गए हैं वाराणसी में? जी अगर बात की जाए तो नेपाल में के अंदर में आज वहां के प्रधानमंत्री आएंगे और साथ ही साथ वहां के मंदिरों में दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद आपको बता दें कि काल भैरव जाएंगे। साथ ही साथ वो जो दिव्य काशी, भव्य काशी का अभी हाल ही में भव्य निर्माण किया गया उसका दर्शन करेंगे और उनके साथ उनके जो डेलीगेट होंगे, चाहे बात की जाए जो नेपाल के जो नेता आए हैं उनके साथ जो 34 डेलीगेट है वो भी उनके साथ मौजूद होंगे, वो भी दर्शन करेंगे। जी धन्यवाद दिव्यांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद रहेंगे, इस दौरान वो नेपाल के पीएम के साथ अपना पूरा दिन व्यतीत करेंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे, काल भैरव मंदिर भी जाएंगे। तो वहीं ऐसे में इस दौरे का एक अहम जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि इस वार्ता के दौरान जो योगी आदित्यनाथ और नेपाल के पीएम के बीच होगी उससे दोनों देशों के बीच जो बीते कुछ सालों में संबंध ठीक नहीं चल रहे थे वो मधुर हो सकते हैं। साथ ही इस वार्ता के दौरान दोनों ही देशों को तमाम फायदा मिलेगा, कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, फिर चाहे वो चिकित्सा हो, निर्यात हो, या नेपाल और भारत के बीच जो चलने वाली ट्रेन है उन पर भी चर्चा हो सकती है। तो तमाम कई ऐसे विषय हैं जिन पर आज योगी आदित्यनाथ नेपाल के पीएम से चर्चा करेंगे, साथ ही वो वाराणसी में काशी विश्वनाथ काल भैरव मंदिर भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के दौरान अलग अलग जिलों में महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता को बढ़ा दिया गया है। मंदिर, पार्क, स्कूल के बाहर ये टीमें वर्दी और सादे कपड़ों में तैनात की गई हैं। नवरात्रि के पहले दिन से ही नोएडा पुलिस ने रोड साइड रोमियो के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, खासतौर से पुरुष, जो अनावश्यक तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगह, खासतौर से ऐसी जगह जहां पर महिलाओं और छात्राओं का आना जाना ज्यादा रहता है, या महिलाएं और ज्यादा छात्राएं वहां आती जाती हैं, तो उनके खिलाफ
पुलिस कार्रवाई करेगी। तो नवरात्रि के मौके पर एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर एक निर्देश जारी किया है, जहां एंटी रोमियो स्क्वाड को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है, यानी इनकी सक्रियता एक बार फिर बढ़ा दी गई है, जिससे प्रदेश की महिलाएं और बेटियां हैं वो प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर सके। वहीं जैसे ही ये स्क्वाड सक्रिय हुआ, उसी दौरान मंचलों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। वही एक ऐसी कार्रवाई कानपुर में की गई, जहां महिला को छेड़छाड़ करने वाले मंचले को पुलिस द्वारा पीटा गया है। वही वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला द्वारा भी एक मंचले को पीटा जा रहा है। तो योगी सरकार के इस कदम से जो प्रदेश की जो मंचले हैं उनमें एक बार फिर खलबली मच गई है। इसके साथ ही महिलाएं अब पूरे प्रदेश में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। यही वजह है कि एक बार फिर से इस स्क्वाड को सक्रिय कर दिया गया है, जबकि इसके पहले जब योगी सरकार का पहला कार्यकाल था तो भी एक बार एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था, लेकिन उसे एक बार रोक दिया गया था। वहीं अब योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही योगी सरकार, साथ ही सीएम योगी भी एक्टिव मोड पर पूरी तरह से आ चुके हैं। लगातार वो तमाम जनपदों का दौरा कर रहे हैं। वहीं नवरात्र के मौके पर उन्हें एक बार फिर एक बड़ा आदेश देते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय कर दिया है, यानी अब प्रदेश और में जितनी भी महिलाएं और युवतियां हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। यही वजह है कि एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता को बढ़ा दिया गया है, और जैसे ही एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता को बढ़ाया गया है, वैसे ही मंचलों और प्रदेश के शौदों में अब खलबली मच गई है। वो कोई भी महिला को या युवती को छेड़ने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन पर पुलिस का डंडा बरसेगा। तो प्रदेश में जैसे जैसे योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही योगी सरकार भी लगातार नए एक्शन जारी करती जा रही है, लगातार नए एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर मंचलों पर कार्रवाई करते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय कर दिया है। तो पूरे प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता एक बार फिर बढ़ा दी गई है। तो उस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सीएम योगी ने एक बार फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता बढ़ा दी गई है, तो वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? हिमांशु, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हम एक बार फिर अपने संवाददाता से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसे जैसे योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, एंटी रोमियो स्क्वाड की भी सक्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी के इस एक्शन से शौदों और मंचलों में अब खलबली मची हुई है। योगी सरकार के इस स्क्वाड जारी करने का निर्देश यही है कि जो भी महिलाओं और युवतियों के साथ जो भी मंचला छेड़छाड़ करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कुछ ऐसा ही एक्शन एक बार योगी सरकार के पहले कार्यकाल में लिया गया था, वही अब दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होने के साथ ही एक बार फिर एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव कर दिया गया है। तो इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर एंटी रोमियो स्क्वाड को एक बार फिर सक्रिय कर दिया गया है, तो गोरखपुर में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो मंचलों में अब खलबली मच गई है। योगी आदित्यनाथ के एक्शन लेते ही पूरे प्रदेश में अब एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव हो चुका है। उन जगहों पर जहां जहां महिलाओं का आना जाना ज्यादा है, फिर चाहे वो मंदिर हो, मॉल्स हो, कोचिंग सेंटर्स हो, उन सभी के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती कर दी गई है। तो एक बार फिर हम अपने संवाददाता हिमांशु से बात करने का प्रयास करेंगे। हिमांशु जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हिमांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एंटी रोमियो स्क्वाड को एक बार फिर से एक्टिव मोड पर ऑन कर दिया गया है, तो ऐसे में गोरखपुर से कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? जी, यहाँ चूंकि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, खुद सीएम यहीं से आते हैं, इसलिए यहाँ पे पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। यहाँ महिलाओं को कल से ही जा करके जागरूक किया जा रहा है कि अपनी किस तरीके से रहिए, अपनी सुरक्षा के लिए
फोन कर सकते हैं, किस तरीके से पुलिस की मदद ले सकते हैं, और पूरी तरह से यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। एंटी रोमियो को दोबारा दूसरे कार्यकाल में शुरू किया गया है, एकदम महिला सशक्तिकरण के लिए इसको एकदम प्रशासन एकदम कमर कस चुका है। क्या लगता है जब योगी के पहले कार्यकाल में हिमांशु जब एंटी रोमियो स्क्वाड चालू किया गया था, यानी इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये भी खबरें सामने आई थी कि पुलिस द्वारा जनता को जानबूझ के भी परेशान किया जा रहा है, तो इस बार ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, इसके लिए योगी सरकार ने क्या कुछ प्लान तैयार किया हुआ है? जी, पहले कार्यकाल में जब इसका गठन किया गया था तो महिलाओं को और जनता, आम जनता को जो है पुलिस जान करके भी परेशान करती थी। पार्कों में अगर कोई भी कपल बैठा होता था तो उनको बोलती थी, लेकिन इस कार्यकाल में ऐसा नहीं होने वाला। बाद में इस पे अधिकारियों ने संज्ञान लिया कि कोई अगर युवक युवतियां आपस में अगर साथ बैठे हुए हैं और सहमति से बैठे हुए, तो उनको किसी तरह की तकलीफ मत दें और किसी तरह से परेशान ना करें। चूंकि योगी आदित्यनाथ का पहले से ये था कि महिला सुरक्षा, इसी मुद्दे पे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा सत्ता में आई है, महिलाओं का वोट मिला है, तो हर सी बात है कि इस पे पूरी तरह से सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। तो क्या लगता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड कितना कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि पहला दिन तो इसका बीत चुका है, तो पहले दिन में गोरखपुर की पुलिस ने अभी तक क्या कोई एक्शन लिया है या क्या कार्रवाई की है मंचलों पर? अनुसार जो है यहाँ पे उनके घर में पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद रही है, होटलों में महिलाओं को समझाया गया, उनको बताया गया कि किस तरीके से वो पुलिस की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोरखपुर में भी एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता बढ़ने के साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। मॉल्स, कोचिंग सेंटर्स, स्कूलों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड वर्दी में और बिना वर्दी के भी तैनात किया गया है, ताकि महिलाओं को किसी भी तरह से किसी मंचले द्वारा परेशान ना किया जाए, महिलाओं को परेशान ना किया जाए, छात्राओं को परेशान नहीं किया जाए। यही वजह है कि एक बार योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता को बढ़ा दिया गया है, और जैसे ही एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता को बढ़ाया गया मंचलों में, इस एक्शन के बाद से ही खलबली मची है। वहीं कानपुर की अगर इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड अलर्ट नजर आ रहा है, जहां पहले दिन ही अभी स्क्वाड को सक्रिय किए हुए हुआ है, तो वहीं लगातार मंचलों पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे जैसे योगी कार्यकाल के 2.0 यानी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, लगातार योगी सरकार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। फिर चाहे वो महिलाओं की बात करी जाए, फिर चाहे गरीब तबके की बात की जाए, तो लगातार योगी सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में दावे और वादे किए थे उन पर अमल करती हुई नजर आ रही है। यानी कि योगी सरकार जनता को यह विश्वास दिला रही है कि जनता ने उनको जिस भरोसे के साथ चुनाव जिताया है वो उस पर खरी उतरेगी। यही वजह है कि सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल में एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता बढ़ा दी गई है। सीएम योगी ने अपने घोषणा पत्र में महिला सशक्तिकरण का वादा किया था, तो वही अपने दावे पर योगी सरकार जो है वो खरी उतरती हुई नजर आ रही है, और एक बार फिर से मंचलों में खलबली मचती हुई नजर आ रही है जब से एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता बढ़ाई गई है। तो एंटी रोमियो स्क्वाड की प्रदेश में सक्रियता बढ़ने के साथ ही अब मंचलों में खलबली मची हुई है, और लगातार एंटी रोमियो स्क्वाड वर्दी धारण किए हुए या बिना वर्दी के ही कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स के बाहर मौजूद है, ताकि किसी भी मंचले द्वारा युवतियों या महिलाओं को परेशान ना किया जाए। योगी सरकार ने घोषणा पत्र में तमाम दावे किए थे, वहीं अब योगी सरकार उन सभी दावों पर खरा उतरने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अगली खबर सीतापुर से है, जहां नेशनल हाईवे पर बिजवार से नेपालापुर तक जाने वाले मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग से पैदल और दो पहिया वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। इससे यहां स्थित आजाद नगर के निवासियों की समस्या बढ़ गई है, उन्हें फ्लाईओवर से आवागमन करना पड़ेगा। इस पर लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, तकरीबन 2 घंटे अफरा तफरी का माहौल रहा। वही एसडीएम सदर अनिल कुमार मौके पर पहुंचे, उन्होंने समस्या का समाधान कराने का आश्वासन देते हुए इस जाम को खुलवा दिया है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।